पुरी में जो रथ यात्रा होता है वो बेहद खास होता है। अपने आप इस रथ यात्रा की देश भर में छाप होती है। इस रथ यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं और रथ यात्रा के लिए जो रथ निर्माण कार्य होता है वो किस तरह से किया जाता है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे बड़ी संख्या में जो कारीगर हैं वो रथ निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। रथ बनाने का काम चल रहा है। यहाँ जो रथ बनकर पूरी तरह से तैयार होगा उसे लकड़ी से लेकर तमाम तरह की चीजें होती है और यहाँ जो कारीगर रथ निर्माण करेंगे उसी निर्माण किए हुए रथ पर भगवान रथ यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जैसे जो नक्काशी करते हैं बनाते हैं क्या क्या बनाते हैं और बैठने और क्या बनाते हैं क्या अंदर पता है सब चीज बनता है कैसा बनता है तो देखिए यहाँ पे जो ये पूरा परिसर है रथ निर्माण कार्य ही दिखेगा। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ माता बलभद्र और माता सुभद्रा की रथ यात्रा की जो तैयारी चल रही है 7 तारीख को जो रथ यात्रा है उसकी तैयारी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो लोग हैं वो लगे हुए हैं उनसे भी पूछते हैं ये क्या क्या बना रहे हैं भाई साहब आप का रथ बनाते हैं आप लोग पूरा निर्माण तो सोचिए अपने आप को मानते कि आप जगन्नाथ इसका जिस तरह एक शपथ लेते हैं इसका आपके लिए हम करना चाहते हैं और दम तक इसको सेवा देते रहेंगे। तो बिल्कुल देखिए भाव से पारंपरिक तौर पे वंश दर वंश पीढ़ी दर पीढ़ी लोग जो है वो रथ निर्माण कार्य करते हैं और रथ निर्माण कार्य से जुड़ी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पूरी में रथ निर्माण कार्य चल रहा है किस उत्साह के साथ चल रहा है सुरक्षा कर्मियों की देख रेख में ये काम होता है ताकि बेहतर तरीके से ये काम हो और 7 जुलाई को जो रथ यात्रा होनी है उस रथ यात्रा में हाँ लाखों लोग शामिल होते हैं और भगवान जगन्नाथ राता बलभद्र और माता सुभद्रा के रथ को खींच कर कौशबाड़ी तक ले जाते हैं। तो ये पूरी की रथ यात्रा की तस्वीर तैयारी की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे यहाँ पे रथ यात्रा की तैयारी चल रही है।